नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद पहुंचते ही गिरफ्तार। नैब हेडक्वार्टर में बयान रिकॉर्ड, मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में पेशी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी पहुंचाया जाएगा। नवाज शरीफ और दोनों बेटे गैर हाजिर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर नून लीगी कारकुनों का पारा हाई। नैब की गाड़ी के आगे लेट गए, मुक्के बरसाए, एक घंटे तक गाड़ी रोके रखी। नैब ऑफिस के बाहर भी धरना दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ बेचैन। मरियम नवाज, परवेज रशीद और दीगर रहनुमाओं से राबते। शहबाज शरीफ का बड़े भाई से दो बार टेलीफोन पर राबता, तसल्ली दी, सूरत हाल से आगाह किया। गिरफ्तारी नैब का इख्तियार है, अदालत से जमानत हो जाएगी। नून लीगी रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। आसिफ किरमानी ने कहा, जो भी कानूनी रास्ता हुआ इख्तियार करेंगे। तहफ्फुज़ात के बावजूद अदालती अमल का हिस्सा बने, लड़ना और जवाब देना भी आता है। मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलने का खदशा है। ख्वाजा साद रफीक का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। आपने तो नैब को एयरपोर्ट में नहीं दाखिल होने दिया, मुझे जमानत के बावजूद गिरफ्तार किया गया। शर्जील मेमन का जवाब। इस्लामाबाद पहुंचते ही मरियम नवाज के पंजाब हाउस की बजाय समधी चौधरी मुनीर के घर में डेरे। परवेज रशीद और दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेशी पर एहतसाब अदालत में सख्त सिक्योरिटी। रेंजर्स की छुट्टी करा दी गई, सिक्योरिटी पुलिस और एफसी के 900 एहलकार तैनात। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब मुकर्रर कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नाम पीपल्स पार्टी ने तजवीज किया था। एमकेएम पाकिस्तान और एएनपी ने तकरीरी खुशाइन करार दे दी। पीटीआई कयादत आज मुशावरत के बाद मौकिफ देगी। इमरान खान ने फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ चोरी बचाने के लिए फौज और अदलिया को बदनाम कर रहे हैं, अपना पैसा बचाने के लिए मुल्क तबाह करना चाहते हैं। मुनीर में जलसे से इमरान खान का खिताब, कहा फजलुर रहमान इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं। कोयटा में कासी रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद जांबहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जांबहक होने वाले तमाम अफराद हजारगंजी सब्जी मंडी जा रहे थे। खानेवाल पुलरांगू के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। नेशनल हाईवे की एक साइड बंद, टैंकर कराची से मुरीद के जा रहा था, ड्राइवर को नींद आने के बाद उलट गया। टैंकर में 50,000 लीटर तेल मौजूद। रहेगी एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू। गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, एफसी एरिया, मलीर, औरंगी टाउन में बिजली घंटों गायब।